देखिए सीतापुर में 29 साल बाद कमल खिलाने का काम किया है नेहा अवस्थी ने और वो हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा जी पहली प्रतिक्रिया जानेंगे। अब प्रतिक्रिया मतलब क्या है, खुशी की है प्रतिक्रिया। हम लोग के जो भी हमारे परिवार के संरक्षक, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद जी, उनकी प्रेरणा और जनता की प्रेरणा, सब सबकी प्रेरणा से ये संभव हुआ, सबके आशीर्वाद से ये संभव हुआ। आपने 29 साल बाद सीतापुर नगर पालिका परिषद में कमल खिलाने का काम किया है। अब ये सब जनता ने बदलाव की मतलब मंशा थी जनता की, और देखिए बदलाव जनता अपने आप ले ही आई है। तो 15 दिन में आपको टिकट दिया गया और आपने ये सफलता हासिल कर ली। सब सबकी इसमें मतलब हाँ वो है, मेहनत मैंने जो करी वो भी कहीं से मुझे प्रेरणा मिली उस चीज़ को करने की। हम लोग के मतलब हर तरीके से हम लोग को संरक्षित रखा गया और हर तरह से हम लोगों ने अपनी जो हम कर सकते थे वो हमने किया। अच्छा, आपने उससे पहले घोषणाएं की थी तमाम, उस पर अमल होगा? बिल्कुल होगा। अमल वो घोषणाएं सिर्फ करने के लिए नहीं की गई थी, वो करी जाएंगी इसलिए करी गई थी, तो वो ज़मीनी तौर पे आपको दिखेंगी होती हुई। तो देखिए नेहा अवस्थी हैं जो 29 सालों बाद सीतापुर नगर पालिका परिषद में कमल खिलाने का इन्होंने काम किया और निश्चित तौर पर एक समाजवादी पार्टी के एक दुर्ग को ढहाने का काम किया। अब उनका कहना है जो उन्होंने घोषणाएँ की थी चुनाव में वो सारी पूरी की जाएंगी। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।